नेटवर्क। अपन नए साल की उपलक्ष में आज केक काट के और बच्चे लोगों को वड़ा पाव बांट के कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहोगे संस्था के माध्यम से? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज का दिन जो है नया है, और जैसे कोरोना से बहुत परेशान थे लोग और उसके बाद थोड़ी सी खुशी बांटी है, लेकिन अभी पता नहीं लॉकडाउन होता है क्या, मालूम नहीं है हम लोग को। तो ये थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन किया हम लोग ने अपने कुंडाई देवी वेलफेयर सोसाइटी में। संस्था के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? शाइन महिला बचत गढ़ है हमारा, ये हमारी महिलाएं हैं सब जी। जो मैं हर एक प्रोग्राम में, जैसे हल्दी कुंकू है, 26 जनवरी है, जैसे मैं जो भी है यहाँ पे छोटा मोटा हम लोग प्रोग्राम रखते हैं और सबको खुशी होती है और अपना सब कुछ मीन्स एक साथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आपकी संस्था से जुड़ने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये चाहती हूँ कि सब महिला घर से बाहर आए और हम लोग से जुड़े और अच्छा काम करे, सोशल वर्क करे, जैसे लोगों की मदद है, जितना मीन्स अपने से हो सकता है उतना हम कर सके, ये मैं चाहती हूँ कि मेरी महिला ये सब करे। मैं चाहूँगी कि हम लोग हर साल ये मनाते हैं न्यू ईयर, न्यू ईयर नहीं मनाते लेकिन हम लोग सब त्यौहार मनाते हैं हमारे संस्था में, महिलाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं हर एक चीज़ के लिए कि भाई कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आज तो सब हमारे मैडम ने केक काट के सबको बच्चों को वड़ा पाव भी बांटा है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अभी जो वापस कोरोना का जो भी आ रहा है न्याय एक, तो उसमें हर बच्चे, हाँ लेडीज़ लोग को भी ये बता रहे कि सावधानी बरते, बच्चों को संभाले, मास्क पहने, वापस वही सैनिटाइज़र ये सब यूज़ करें और अच्छे से रहे, जो हम आगे भी हमारा सब प्रोग्राम है वो अच्छे से कर सके और हमारे संस्था में सब लोग अच्छे से रह सके। आज बच्चे लोग को मैडम की तरफ से केक और वड़ा पाव बांटा गया, क्या कहना चाहोगे मैडम के बारे में? मैडम के बारे में जितना बोलो कम है, वो तो हर किसी के लिए बहुत कुछ करती हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम लोग के लिए, हम लोग मतलब बचत गट में हैं तो हर मैडम के लिए तो कुछ ना कुछ करते ही हैं, लेकिन हर साल हम लोग बच्चे लोग को केक काटते बांटते हैं और मैडम की तरफ से बहुत कुछ हम लोग को मिलता है, हेल्प भी मिलता है और मैं चाहूँगी कि आगे चल के ऐसे ही हेल्प मिलती रहे।